हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग फिर से खेलेंगे एक न्यू स्पंजबॉब हॉरर गेम जिसका नाम है पैट्रिक गेट रिवेंज। तो यार, इस गेम की कहानी कुछ इस तरह से कि इसके अंदर तीन दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है स्पंजबॉब, एक का नाम होता है स्क्विडविल और एक का नाम होता है पैट्रिक। तो यार, इसके अंदर ना पैट्रिक को पता नहीं क्या हो गया, वो अपने दोस्त को ही मार देना चाहता है, तो हमें उस दोस्त को बचाना है। तो आज के इस गेम में आने वाला बहुत ही ज्यादा मजा, वीडियो को पूरा देखें, चलते हैं सीधा गेम के अंदर। तो प्ले करते हैं गेम को यहाँ से। ओ वेट भाई, वहाँ उस घर के पीछे कोई तो था, कोई उस घर के पीछे से पिक करके देख रहा था यहाँ से। कौन था यार ये? रहा भाई, कौन है ये? यहाँ पे कोई देख रहा है भाई? कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है यार, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कोई नदी बह रही है। तो हम गेम को प्ले करते हैं यहाँ से। ओ वेट, हम लोग इसी घर के अंदर जा रहे हैं क्या? यहाँ पे एक प्यारा सा म्यूज़िक बज रहा है, शायद इसके अंदर पार्टी हो रही है। और यहाँ पे इस घर के बाहर बहुत सारे फ्लैग टांगे हुए हैं। यार वैसे इंडिया का फ्लैग कहाँ पे है? हमारी कंट्री का तो इसके अंदर फ्लैग ही नहीं है। ओ वेट, ये तो स्क्विडवर्ड है यार, यहाँ पे कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं अपनी जॉब फिनिश करके अपने घर पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इस प्यारी सी दुनिया के अंदर, जहाँ पे भाई आसमान में फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगे और पानी के बहने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कोई नदी बह रही है, बट नदी वदी कहीं कुछ भी नहीं है, चारों ओर रेगिस्तानी रेगिस्तान है। और यहाँ पे इसकी प्यारी सी बोट खड़ी है जिसके अंदर बैठ के ये अपने घर जाने वाला है। तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। वेट, यहाँ पे हमें कार चलने की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे ये बोट की शेप वाली कार में बैठ के अपने घर पर जा रहा है। तो अगर आप लोग स्पंजबॉब कार्टून देखते होगे तो उसके अंदर यार तीन दोस्त होते हैं जो कि बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं, जो कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट इसके अंदर ना यार पैट्रिक को पता नहीं क्या हो गया, वो अपने दोस्त को ही मार देना चाहता है, मतलब उसने स्पंजबॉब को किडनैप कर रखा है। तो हम लोग अपने घर पर जा रहे हैं, बट हमें ये बाद में पता लगेगा कि जो स्पंजबॉब है उसको पैट्रिक ने कहीं पर किडनैप कर रखा है। तो शायद सामने वो तीन घर हैं, उन्हीं घर में से एक घर हमारा है। वो ये क्या, इसने इतनी दूर क्यों गाड़ी रोक दी? यार घर तो बहुत दूर है, गाड़ी यहाँ पर पार कर दी इसने, वो भी सड़क के एकदम बीचों बीच। तो हम लोग चलते हैं, चल के उस घर को खोलते हैं, शायद वो बीच वाला घर हमारा है, क्योंकि यार इसका तो गेट ही नहीं है। तो चल के हम लोग जल्दी से ये वाला गेट खोलते हैं इस घर का। ओ आई थिंक आई लॉस्ट माय हाउस कीज। तो यहाँ पे ये तो भाई यहाँ पे स्क्विडवर्ल्ड बोल रहा है कि मेरे घर की चाबी कहीं पे खो चुकी है, हमें उसको ढूंढना है। वैसे यार इतने बड़े रेगिस्तान के अंदर हम लोग चाबी कहाँ से ढूंढेंगे? तो हम लोग उस कार पर चलते हैं कि अब तो हमारी चाबी उस कार के अंदर ना रहेगी हो, क्योंकि हम कार ड्राइव करके आए थे ना, कहीं हमारी जेब से वहीं पर गिर गई हो। तो हम चल के देख के आते हैं सीट पर कि अब तो पड़ी हो। यहाँ पे देखते हैं, वेट यहाँ पे तो कोई चाबी नहीं है यार। ओ भाई वेट, वहाँ सामने कोई वैन खड़ी है, शायद वो कोई घर वाली वैन है। तो हम लोग चलते हैं क्या पता उसके आसपास ना हमारी चाबी गिरी हो, चलते हैं हम लोग जल्दी से। तो हम चल के इसके पीछे जी देखते हैं क्या पता हमें चाबी यहाँ पे कहीं पे मिल जाए। वैसे हम लोग नीचे भी नज़र रखते हैं क्या पता कहीं नीचे गिरी हो। ओ भाई यहाँ पे चाबी क्या कर रही है? तो हम लोग यहाँ से चाबी उठाते हैं अपने घर की और चल के अपना सीधा घर का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चलते हैं। तो हम लोग दौड़ के जल्दी से अंदर चलते हैं। वैसे यार पानी के झरने की आवाज़ क्यों आ रही है? कहाँ पे पानी, नदी वदी कहाँ बह रही है? ओ भाई ये क्या है, यहाँ पे पैट्रिक आ रहा है, क्या करने आ रहा है यार ये? हमें मारने तो नहीं आ रहा कहीं? ओ भाई कितनी तेजी से आ रहा भागता हुआ। ओ ओ, 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 ओ यार शिट, ये क्या किया भाई इसने, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे स्क्विडवर्ल्ड भाई सांस ले रहा था, शायद उसको इसने किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कहीं, ये क्या भाई सामने बहुत ही ज़्यादा अंधेरा यार। तो यहाँ पे शायद पैट्रिक ने हमें कहीं पे किडनैप कर लिया है, तो हमें इससे बाहर निकलना है। यार यहाँ पे ये मेन गेट लॉक हो चुका है, तो हमें शायद इसकी की वगैरह ढूंढनी है जाके। यहाँ पे स्पंजबॉब का कार्टून लगा हुआ है। तो ओ वेट, यहाँ पे कोई गेट है, तो शायद यहाँ पे हमें कोई कोड वगैरह ढूंढना जिससे ये गेट खुलने वाला है, ये वाला गेट खुलेगा इससे। तो हम चलते हैं अंदर। वैसे सामने इतना अंधेरा क्यों है यार? नहीं यार अंधेरा तो नहीं है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे लाइट आ रही है। वेट यहाँ ऊपर क्या है यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई ये क्या है? तो यहाँ पे ये वाला गेट खोलते हैं हम। ओ भाई ये क्या, स्पंजबॉब को उसने शायद यहाँ पे किडनैप कर रखा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है यार? इससे हम लोग चल के पूछते हैं, इससे हम यही पूछ रहे हैं कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जवाब दे रहा हमें, तो ये यही बता रहा कि पैट्रिक अपना भाई दिमाग बुद्धि खो चुका है। तो हम इससे पूछ रहे हैं कि तुझे हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो यार यहाँ पे हमें स्पंजबॉब ने बोला कि कहीं सीढ़ियों के ऊपर चाबी पड़ी है, हमें ढूंढ के लेके आनी है। तो हम चल के ढूंढते हैं। वैसे यार यहाँ पे इतना सारा खून क्यों निकला हुआ है? शायद इसको उसने मारा है। ओ वेट, यहाँ पे भाई इतना बड़ा बर्गर पड़ा है, क्या इसको हम लोग खा सकते हैं? ये क्या यार, इसके पीछे भाई कोई पंखा लगा हुआ है, शायद ये चलने वाला। वेट भाई ये कोई कार है, ये पक्का कोई कार है यार, क्योंकि हमने बाहर बोट वाली कार देखी, शायद ये बर्गर वाली कार है। तो हम चलते हैं, इस साइड सीढ़ियाँ थी ना, इसके ऊपर हम लोग चाबी देख के आते हैं। उसने यही बोला कि कहीं इसके ऊपर तो नहीं कहीं चाबी रखी हुई, इसके ऊपर नहीं यार, इसके ऊपर भी नहीं है। इस वाले गेट को खोलते हैं। नहीं यार ये वाला गेट भी लॉक हुआ पड़ा है। तो यार हम दूसरी साइड चलते हैं, क्या पता उस साइड चाबी पड़ी हो, चल के देख के आते हैं। वहाँ सामने नीचे कुछ गिरा हुआ है, कहीं इसके अंदर तो नहीं चाबी रखी हुई? ये तो कोई नट है यार मछली पकड़ने वाला, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो हम इस साइड चलते हैं। ओ भाई ये क्या है, सामने शायद कोई खड़ा है। भाई ये तो पैट्रिक है, ये तो वही मोटू है जो स्टार्टिंग में आया था। और इसकी आंखें भाई ऐसी क्यों हो रखी हैं? कौन है यार, ये तो जा भी नहीं रहा, ये क्या है? इसके पास चलते हैं। ओ भाई कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो गया यार एकदम से।
यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं जाने आने का, इसके पीछे तो नहीं छुपा? नहीं यार, इसके पीछे तो कोई भी नहीं है। तो हम अपनी चाबी ढूंढते हैं और यहाँ से उसको लेके बाहर जल्दी से निकलते हैं। ओ भाई ये क्या है, इसके अंदर तो नहीं कहीं चाबी पड़ी? ये शायद कोई इलेक्ट्रिक बॉक्स लग रहा है। कहाँ पे है यार चाबी? भाई उसने हमें उल्लू बनाया क्या? वहाँ पे कोई बटन लगा हुआ, चल के हम लोग उसको दबाते हैं क्या पता। ये तो नहीं चाबी? नहीं यार, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। शायद यार ये कोई लिफ्ट है जो कि ऊपर नीचे आ जा सकती है। यार स्पंजबॉब ने हमें उल्लू बनाया भाई, उससे पूछ के आते हैं। एक तो हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, एक उसने हमसे झूठ बोला। तो इस साइड देखा था क्या पता कहीं चाबी यहाँ पे कहीं पड़ी हो। भाई इधर भी कुछ नहीं है। और ये कैसा बेड है यार, बड़ा अजीब सा बेड है। यहाँ साइड में ये क्या मशीन सी रखी हुई है? तो इससे क्या लेना हमें, चलते हैं हम लोग उससे, चल के दोबारा से पूछते हैं चाबी कहाँ पे है। भाई उसने झूठ क्यों बोला यार हमसे? यहाँ पे यार कुछ बुक्स पड़ी हैं, कहीं इसके अंदर तो नहीं चाबी रखी हुई? नहीं यार, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। तो हम फिर से चलते हैं उसी रूम के अंदर, ये वाला रूम खोलते हैं। ओ भाई तूने झूठ क्यों बोला हमसे? ओ भाई अब तो ये बोल भी नहीं रहा। ओ वेट, वहाँ सामने दीवार पे कोई फोटो टांगी हुई है और वहाँ पे कोई सिंबल बना हुआ है ऊपर एरो का, तो हम इसको शायद हटा सकते हैं यहाँ से। तो यार यहाँ पे कोई कोड है जो शायद वो जो स्टार्टिंग में गेट था ना कोड वाला, वहाँ पे ये लगने वाला है 56812। तो हम चल के जल्दी से वहाँ पे लगाते हैं इसको। क्या था 56812? चल के हम लोग इस साइड इस वाले गेट में लगाते हैं उस कोड को। क्या था 56? भाई ये कैसी आवाज आ रही है? 56182। तो हम यहाँ से करते हैं एंटर। ओ भाई भुला दिया, इस आवाज़ ने मुझे भुला दिया यार क्या कोड था। तो हम चल के दोबारा देख के आते हैं कोड को, भाग भी नहीं रहे इसके अंदर। तो चलते हैं दोबारा जल्दी से देख के आते हैं 56812। तो शायद मैंने उल्टा लगा दिया था। ओ वेट, गेट किसने बंद किया यार यहाँ से? शायद ये ऑटोमेटिक गेट है, अपने आप बंद हो जा रहा है। तो क्या कोड था 56812? तो दोबारा से लगाते हैं हम कोड यहाँ से 56812 और यहाँ से करते हैं एंटर। नाइस, यहाँ पे शायद गेट खुल चुका है, तो हम इस गेट को खोलते हैं। ओ भाई नाइस, यहाँ पे गेट खुल चुका है। ओ यहाँ पे टीवी चल रहा है, बट इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा, शायद रेंज नहीं आ रही टीवी के अंदर। तो हम इस कमरे में क्या करने आए हैं यार? शायद हम चाबी ढूंढने आए हैं ना। ओ वेट, यहाँ पे सामने कुछ पड़ा है। तो यहाँ कोई स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है, तो हम इसको उठा लेते हैं। इस वाले स्क्रू ड्राइवर से शायद हमें कुछ खोलना है यार, तो हम चलते हैं इसको लेके बाहर। वेट भाई, वहाँ पीछे कोई इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ था ना, शायद हमें उसको ही खोलना है। तो हम चलते हैं पीछे लेके इसको। तो यार हमने ना उस पिंजरे की चाबी ढूंढनी है जिसके अंदर हमारा बेस्ट फ्रेंड स्पंजबॉब कैद है। तो हम चल के इस वाले स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे शायद ये लगने वाला है, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। ओ वेट भाई ये क्या हुआ, बच गया यार, ये तो मेरे मुंह पे गिरने वाला था। तो यहाँ पे कोई लीवर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग, यहाँ पे लिखा रहा है एलिवेटर पावर, तो कोई एलिवेटर शायद वो पीछे वाली जो कि शायद एक्टिवेट हो चुकी है। ओ नाइस, यहाँ पे ऊपर जा रही है, बट यार ये क्या, ये तो ऊपर चलेगी, ये क्या हुआ यार, ये हम ऊपर कैसे जाएंगे? ओ नाइस, यहाँ पे नीचे भी आ रही है, मुझे लगा ये अब नहीं आने वाली। तो हम लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं जल्दी से और यहाँ से बटन दबाते हैं, फिर ये हमें ऊपर लेके जाएगी। तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं इस एलिवेटर से, चलते हैं सीधा इसके ऊपर। और ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है यार, इसके अंदर चलते हैं। ओ भाई वेट, ये क्या है सामने? शायद ये भी कोई कार्टून है यार, शायद ये पाइन एंड फर्ब वाला कार्टून नहीं है, उसकी तरह दिख रहा है। वैसे जैसे जैसे हम लोग घूम रहे हैं भाई, वैसे वैसे ये भी घूम रहा है, क्या चीज़ है यार ये। तो वैसे हम अपना काम करते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं जल्दी से स्पंजबॉब को लेके। शायद उसने इसको बेचारे को भी किडनैप किया हुआ है, तो शायद पैट्रिक दोनों को ही मार देना चाहता है। तो यार इस साइड चलते हैं, इस साइड कोई बड़ा सा हॉल है। ओ वेट, वहाँ सामने टेबल पे कोई चाबी रखी हुई है, तो हम चल के इस चाबी को उठाते हैं। भाई ये क्या, इसके अंदर तो तीन तीन चाबियाँ हैं, इसको हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। ये कहाँ पे लगने वाली है यार? ओ सामने कोई गेट है शायद, इस पे तो नहीं लगने वाली चाबी, तो इसको हम लोग यहाँ से उठाते हैं चेयर को। और शायद ये, ओ नाइस, यहाँ पे ये डोर खुल चुका है, तो हम चलते हैं नीचे। शायद अब हम अपने दोस्त को निकाल सकते हैं उस पिंजरे के अंदर से। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं केस से। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसा म्यूजिक बज रहा है, कोई तो शायद आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये कैसे खड़े हैं भाई, ऐसा लग रहा है कोई फाइट होने वाली है आपस में। ओ वेट, यहाँ पे पैट्रिक आ चुका है, शायद इन दोनों की आपस में 3, 2, 1, ये क्या है फाइट। ओ भाई साहब इन आपस, ओ भाई साहब इन दोनों की आपस में फाइट होने वाली है। तो यहाँ पे स्पंजबॉब बोल रहा है कि स्क्विडवर्ड तू ही बजा सकता है हमें। भाई ये पतला सा उससे लड़ने जा रहा है, देखते हैं क्या होने वाला है, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। वैसे मेरे हिसाब से भाई पैट्रिक जीतेगा, क्योंकि वो बहुत ही मोटा है। ओ भाई साहब इसने एक ही लात मारी और उसको नीचे लिटा दिया जमीन पे, ये क्या। ओ भाई एक ही लात में उसका सिर फोड़ दिया और इसका काम तमाम कर दिया। तो यहाँ पे पैट्रिक को भाई एक ही लात में उसने सुला दिया, शायद ये बेहोश हो चुका है या मर चुका पता नहीं। तो यहाँ पे लिखा रहा है एंड, तो और यहाँ पे लिखा रहा है कि स्पंजबॉब को किडनैप करने के चक्कर में पैट्रिक को 10 साल की सजा हो गई और बाद में भाई पुलिस ने प्रिजन की चाबी खो दी और उसके बाद ये अपनी पूरी जिंदगी के लिए जेल के अंदर सड़ता रह गया। ओ भाई ये क्या बात बनी। तो यहाँ पे गेम खत्म हो चुकी है। आई होप कि आपको ये गेम बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार इस चैनल पे डेली न्यू हॉरर गेम प्ले वीडियोस आने वाली है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।